इस मुश्किल की घड़ी में जहां राजनीति लोग समाज सेवी संस्थाएं और सरकारें जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुटी हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निष्काम सेवा भाव से सेवा में जुटे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में घर में ही उन्हें खाने पीने की रसद पहुंचाने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और इस घड़ी में सबको एकजुट होकर इस डर को हराना है। तहसील नंगल के रहने वाले टोनी सहगल, जिन्होंने बीड़ा उठाया कि हर जरूरतमंद के पास खाने पीने पहुंचाने का उनकी माने तो उनका सामान पहुंचाएं। हाथ खाली रह गए थी। चलो आज की जदों भी कोरोना वायरस की दस्तक इंडिया दे विच आई, सब तो पहला मैं अपने वालों ये पोस्ट छपा के कल्ले कल्ले घर के दुकान के अगे लगाए भी इहदा ये बचाव हो सकता दूरी बनाने का, ठीक है। उस तो बाद असी 1500 मास्क बना के मेरे तो मेरे दोस्तों ने वंडे। साढ़े इत्थे एक झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, उत्थे तो बड़े राशन आए, लेकिन मिडल क्लास जिहड़ी फैमिली है उन्होंने कोई वो नहीं सी मंगदे सी, उन्हां करके मैं एक लिस्ट बनाई है अपने दोस्तों की। कोई उन्होंने भेदभाव नहीं, कोई ये नहीं देखे किहड़ी पार्टी का, कुछ नहीं। मैं 500 किट बनवाने का ऑर्डर दिता है, जिद 100 किट अज आ गई है। तो क्या कसम करिए, ये दाल है किलो किलो, चीनी पत्ती है, तेल की शीशी है और 10 किलो आटे की किट है। तकरीबन 500 कुछ रुपए की किट बनती है जी, तो ये असी बनवाई है। और मेरे तो ब्लेम लाता से मेरा बदल चाहे से, मैं उन्होंने एक वीडियो वायरल की, उन्होंने एसडीएम साहब को दिशा निर्देश दिए है, आप प्रेस ने भी देखी होनी, तो उन्होंने साफ साफ किया बिना भेदभाव तो काम करो, इस वेले बीमारी तो बचने की जरूरत है, घरों से बाहर ना निकलो। और मैं प्रशासन का और अपने खासकर स्पीकर साहब का तहे दिलों धन्यवाद करते, थानू प्रेरित करते हैं, समय समय सानू निर्देश देंगे लोगों की सेवा करने वास्ते। मैं कौंसल का नगर प्रशासन का धन्यवाद करदा और लोगों को फिर बेनती करना भी ये बार बार जड़ा इस तो बचाव का कारण यही है, इलाज है नहीं कोई। सो जिदा तुम पहले सहयोग दिता हूँ भी सहयोग दो।